मंगल पांडे जी तो कान में तेल डाल के सोते रहते हैं, और जब हम लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे के थ्रू उनसे सवाल पूछते हैं या मीडिया के जरिए उन तक सवाल पूछते हैं, तब वो जागते हैं तो अच्छा लगता है सिलेंडर में गैस नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, आप सो रहे थे जब जब बिहार की जनता के बीच में त्राही त्राही मच गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जाकर कोरोनिल का उद्घाटन कर रहे थे, उसको बांट रहे थे लोगों के बीच में। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे अपने नाम के आगे सब डॉक्टर हटा ले। अब लाशों को भी सम्मान नहीं मिल रहा, हजारों हजार 2000 से ज्यादा लाशें गंगा में बह रही है, बताइए। मतलब एक तो व्यक्ति जब जिंदा है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको दवाई नहीं मिल रही, जब मर गया तो उसको कफन दफन नहीं मिल रहा, उसको चिता की आग नहीं मिल रही, उसकी आत्मा भटक रही है। ये राष्ट्र चाहते थे हम? ऐसा प्रदेश चाहते थे? ऐसा देश चाहते थे? इन लोगों ने तो हंगामा मचाया था, हिंदू राष्ट्र का हंगामा मचाया था। अरे भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए कि ये जहां पर हमारे बच्चों का इलाज होना चाहिए तो वहां पर गाय, वहां पर बकरी, वहां पर भैंस, वहां पर चूहे, वहां पर बिल्ली और वहां पर सुअर तक मौजूद है, और जिस कमरे के अंदर दवाइयां होनी चाहिए उसके अंदर भूसा तक भरा हुआ है। तो हमने टेम्पररी कोविड केयर सेंटर का स्थापना किया जहां पर फ्री में कोरोना के मरीज का इलाज हो रहा है, कोई एक रुपया चार्ज नहीं लग रहा। यहाँ पर 5 सीट जीत गए आपके सीमांचल के इलाके में, तो जीत के क्या कर रहे हैं? आप फिर से वही कोस रहे होंगे कि अब तो हम सरकार में है नहीं, विधायक निधि हमारी चली गई है, तो हम क्या करें। आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया, मेरा नाम है तंजील आसिफ। आज से हम एक नया इंटरव्यू शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है यंग एंड एंग्री। हमारे पहले मेहमान हैं मशकूर अहमद उस्मानी साहब। जैसा कि शो के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें हमारे कुछ युवा गेस्ट होंगे और हम इनसे बात करेंगे जो अभी देश के राजनीतिक हालात हैं उन पर इनके व्यूज क्या हैं, इसको ये कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि युवा नेताओं के हाथ में ही अब देश का फ्यूचर आने वाला है। हम युवा नेता उभर रहे हैं, तमाम पार्टियां मौका भी दे रही है इन्हें चुनाव में, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनके व्यूज क्या हैं। पहले मेहमान आज जो पहला हमारा एपिसोड शूट हो रहा है, हमारे पहले मेहमान हैं मशकूर अहमद उस्मानी साहब। कांग्रेस के उम्मीदवार थे 2020 विधानसभा चुनाव जब बिहार में हुआ तो दरभंगा के जाले विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए थे। उससे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी लंबे समय तक एक्टिव रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे, और फिलहाल अभी कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर बिहार और यूपी में काम कर रहे हैं। तो सीधे सवालों से सवाल लेते हैं मशकूर साहब। पहला सवाल मेरा यही है, मैं जितना परिचय दे सकता था उतना दिया आपका, अभी आपकी करंट पोजीशन पार्टी के अंदर क्या है, आप विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद पार्टी के अंदर आपका स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमसे बातचीत करने का सोचा, और ये बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आपने मुझे याद किया, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि आपने मुझे अपने पहले एपिसोड के यंग एंग्री यंग समथिंग आपने बताया यंग एंड एंग्री, ठीक है, यंग एंड एंग्री, तो उसके लिए आपको, लेकिन मैं हैरान भी हूँ कि ठीक है यंग तक तो ठीक है लेकिन ये एंग्री की वजह से आपने मुझे क्यों लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी पता चल जाएगा आगे समझ में आएगी इंटरव्यू में शायद। जी जी मैं वही कह रहा हूँ, आगे आपके सवाल से समझ में आएगा कि यंग तो ठीक है, ये एंग्री क्यों आपने जोड़ा है इसमें और उसमें मुझे क्यों चुना। तो आपका शुक्रिया, बहुत अच्छे तरह से जो है आप अपने चैनल को लेकर आगे बढ़े हैं, इसके लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मुझे वो भी वक्त याद है जब आपने इस चैनल की शुरुआत की थी और तब भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उसके लिए मुबारकबाद भी आप। आपने पूछा कि पार्टी के अंदर पोजीशन क्या है। देखिए पार्टी के अंदर पोजीशन ये है कि पार्टी ने एक 25.5 साल के युवा को जिसका कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, जिसके खानदान से या जिसके फैमिली से कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं हुआ, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, उस घर से, एक साधारण घर से बिलोंग करने वाले किसान परिवार के लड़के को 25.5 साल के उम्र में, मतलब जैसे ही मैंने वो दहलीज क्रॉस की चुनाव लड़ने की, मुझे टिकट दिया, यही मेरी पोजीशन है पार्टी में। और पार्टी के लिए समर्पित हूँ, पार्टी के लिए भी काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जिताया, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, अभी तो चुनाव के बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से चुनाव में
हार भी हो जाती है, जिसकी वजह से चुनाव में जीत भी हो जाती है। हो सकता है कि बहुत सारे कारणों से मैं चुनाव हारा, लेकिन 66,000 लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, जो जाले विधानसभा की जो हमारी सम्मानित जनता है। उसके अलावा बाहर से अलग अलग इलाकों से, पूरे दरभंगा जिला, मधुबनी जिला से और पूरे बिहार से, पूरे देश भर से जो जिस तरह का लोगों का समर्थन था, मोरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी। और उसी से मुझे जो है एनर्जी मिलती है काम करने की, उसी से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। लोग बार बार बातचीत करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या कर रहे हैं, तो काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। यही मेरी पोजीशन है, सेवा। राजनीति में आए हैं सेवा करने के लिए, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पेशे से भी सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं, तो सेवा हमारा जो है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए, सेवा भाव के साथ राजनीति करना। आपने जब चुनाव लड़ा तो पूरे चुनाव के दौरान काफी कंट्रोवर्सी में आप रहे, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, बस हम ये जानना चाहेंगे कि उसका मेंटली इस एज में आप राजनीति में कदम रखते हैं और तमाम तरह की कंट्रोवर्सी से घेर लिया जाता है आपको, प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा बना दिया जाता है, तो उसका क्या आप पर, आपके मेंटल हेल्थ पर या और किसी तरीके से आप पर कोई इफेक्ट पड़ा? देखिए, नेचुरल सी बात है, जब आप अचानक से सो के उठिए और सुबह जो है आप देख रहे हो कि प्राइम टाइम पे आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको एंटी नेशनल बताया जा रहा है, ठीक है, आपके परिवार के लोगों की जो है के बारे में गलत गलत बातें कही जा रही है, आपके दोस्तों के बारे में, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, जिनसे बातचीत करते हो, उनके बारे में गलत बातें कही जा रही है, आपको एकदम बिल्कुल एक ऐसे श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है जहां पर जो है आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। आज बीजेपी टूल किट की बात करती है ना, आपको टूल किट की तरह इस्तेमाल करती है कि ये देखो कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इसे जान से मार डालो और इस तरह की, तो आप नेचुरल सी बात है कि आप एक मेंटल ट्रॉमा में जाते हैं। लेकिन चूंकि ये ट्रॉमा कोई नया नहीं था, ये ट्रॉमा हम लोग 2014 के बाद से ही झेलते हुए आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नीति का जो हम लोग विरोध करते हैं, उस विरोध करने की वजह से लगातार हम लोगों को दबाया जाता है, लगातार हम लोगों को परेशान किया जाता है। ये तो आपने देखा, जो विच हंटिंग जो चली नेशनल मीडिया पे, ये आपको नजर आया। ऐसी कई सारी विच हंटिंग है जो नेशनल मीडिया के थ्रू आपको नजर नहीं आई, जो सिर्फ मुझे और मेरी परिवार को सहना पड़ा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम न्याय की डिमांड के लिए आवाज उठाते हैं, तो रोजाना हमारे ऊपर FIR होती थी, कभी पुलिस हमारे घर पहुंच जा रही है, कभी जो है दबाव बनाने के लिए जो है हमको परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, हमको शासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी बातें, ये छोटे छोटे जो चीजें होती है, जो संघर्ष का हिस्सा होती है, वो आम जनता के बीच में या पत्रकारों के बीच में भी नहीं आ पाती, वो सिर्फ आप और आपका परिवार झेलता है इस चीज को। ये जो भी छंटिंग किया गया, इसको तो पूरी दुनिया ने देखा और तमाम लोगों ने देखा। नेचुरल सी बात है, इन तमाम चीजों का असर पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। लेकिन चूंकि मालूम है हमें कि हम ऐसे लोगों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, तो जब आप ये समझ रहे होते हो कि लड़ाई ऐसे लोगों से है जो इस देश को तोड़ देंगे, तो ऐसा लगता है कि फिर सब कुछ जो है देश को बचाने के लिए आप कर रहे हैं। तो जब देश को बचाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे होते हैं, आपसी भाईचारा बनाने के लिए आप कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको लगता है कि ये देश की सेवा है। और इस वक्त सही को सही बोलना देश की असल सेवा है, इस वक्त गलत को गलत बोलना देश की असल सेवा है। इस वक्त अगर आप अकेले भी हों और अगर सरकार की कोई नीति गलत आ रही है, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं अकेले भी हों, तो यही इस वक्त देश की सेवा है और यही सच्ची देशभक्ति है। देखिए, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम है नहीं है वो एक अलग बात है, हम किस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो एक अलग बात है। मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही था, क्या हमारा भारत ऐसा ही था? अरे, हम एक प्लेट में खाते थे सारे धर्म के लोग। आज ऐसा क्या हुआ समाज में कि हम इतना विभाजित हो चुके हैं? ऐसा क्या हुआ अचानक से 7 साल के अंदर? मतलब 2014 से पहले इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रह रहे थे, इस देश के अंदर जैन नहीं रह रहे थे, बौद्ध नहीं रह रहे थे, क्रिश्चियन नहीं रह रहे थे, हमारे हिंदू भाई नहीं रह रहे थे, लेकिन आपसी भाईचारा था। इन लोगों ने आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की, और हम लोग की यही कोशिश है कि उस आपसी भाईचारे को दोबारा से समाज में हम लोग स्थापित करें, और इसके लिए जिस तरह की सजा भुगतनी पड़े, जिस तरह की पीड़ा, जिस तरह का उत्पीड़न हमें उठाना पड़े, हम उसके लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाई इस मुल्क को, इस देश को बचाने की लड़ाई नहीं। जब इसी आपसी भाईचारे को तोड़ने वाले तेजस्वी सूर्या के सपोर्ट में, या कहें इनडायरेक्टली उनकी तारीफ करने लगते हैं आपके ही बड़े सांसद शशि थरूर जी,
उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि दूसरा सवाल यहाँ लेना आपने था मेरा ट्वीट लेकिन बीच में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, ठीक है। हमारे जो बड़े सांसद जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं बड़ी बेबाकी से बोलता हूँ, अगर पार्टी के अंदर भी अगर मैं किसी बात को लेकर असहमत हूँ तो मैं बोलता हूँ। उसकी उसकी वजह यह है कि पार्टी सब लोगों के होने से है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सब लोगों के होने से। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में अगर 500 लोग हैं तो उन 500 लोगों के जो विचार हैं वही पार्टी के विचार हैं, और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वही उन 500 लोगों की आइडियोलॉजी है। तो अगर पार्टी के अंदर भी अगर हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनकी बात को सुने। जो शशि थरूर जी ने कहा उसमें उन्होंने सटायर का इस्तेमाल किया, वो उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, वो सटायर का इस्तेमाल कर रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सटायर के जरिए कुछ बात को कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि तेजस्वी सूर्या जैसे व्यक्ति के लिए इस तरह का सटायर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैंने खुल के ट्वीट किया, मेरा ट्वीट देख सकते हैं, मैंने खुल के ट्वीट किया। शशि थरूर की लैंग्वेज जी पे इतनी लैंग्वेज पकड़ है, आपको लगता है कि मिस पकड़ है, कम्युनिकेशन उनसे एग्जैक्टली हो सकता है? ऐसा तो मैं इसलिए नहीं मैं लग मैंने रहा इसलिए कहा मैंने है। इसलिए कहा कि एक 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 बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कि उन्होंने सटायर के तौर पर इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनके खिलाफ ट्वीट किया। मैंने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आप जाके मेरा ट्विटर का वॉल अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा वो ट्वीट, और मैंने कहा कि इस तरह से उसके बारे में आपको नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है। तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से वहां पर कॉमनल लाइन के तहत बातचीत की, इसको किसी भी तरह से इंटेलिजेंट नहीं कहा जाएगा, और ये ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम करता है, समाज को बांटने का काम करता है, और इसीलिए मैंने उनके खिलाफ लाइन ली। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी बात को बेबाकी से रखता हूँ। आप एक स्टूडेंट लीडर हैं और पिछले एक साल डेढ़ साल से जितने भी स्टूडेंट लीडर मैदान पे रहे और उन्होंने एक्टिविज्म किया या तमाम तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनमें से अगर मैं कुछ नाम लूँ, उमर खालिद, मीरान हैदर जेल में है इतने दिनों से, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिकली कोई बड़ी लड़ाई अगर मैं बात करूँ तो एक उमर खालिद चर्चे में रहते हैं, उनके लिए ट्विटर ट्रेंड चलता है, लेकिन और जो तमाम लोग एक लंबी एक लिस्ट है उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है कई कई महीने से। मीरान हैदर तो आज मुझे लगता है आप बेहतर बताएंगे, 9 महीने से ज्यादा हो गया है या एक साल शायद होने जा रहा है, वो इतने दिनों से जेल में है। तो आप कैसे देखते हैं कि इनको इनके लिए किस तरह की लड़ाई आगे आपकी पार्टी और आप इंडिविजुअली कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने की सोच रहे हैं? जी देखिए, मैं बहुत ही क्लियर आपको करना चाहता हूँ कि तमाम लोग जो अभी जेल में हैं वो तमाम लोग हमारे साथी हैं। साथी इसीलिए कि हम तमाम लोग उस आंदोलन का हिस्सा थे, और उसमें से कुछ लोग आज जेल में हैं, चाहे वो मीरान हो, आसिफ इकबाल तन्हा का तो आप नाम भी नहीं लिया, चाहे वो शर्जील हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो नताशा हो, ठीक है। तो ये तमाम लोग जो अभी जेल के अंदर है ये लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, हम सब लोग उस लड़ाई को लड़ रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो जेल में है, उनके लिए हम लोग लगातार आवाज उठाते हैं, चाहे वो आसिफ हो, आसिफ इकबाल तन्हा के लिए भी ट्विटर ट्रेंड लगातार चलता है, मीरान के लिए भी चलता है, उमर खालिद के लिए भी चलता है, खालिद सैफी के लिए भी चलता है। तो इसको इस तरह से कहना कि सिर्फ किसी एक के लिए चल रहा है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उमर खालिद के जेल जाने से पहले मतलब महीने में 10 बार तो सिर्फ सिर्फ मीरान के लिए ट्रेंड होता था, लेकिन उमर गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नया साथी जेल में गया है उसके लिए भी ट्रेंड चलना चाहिए, तो सबके लिए चलता रहता, ठीक है। तो और इस वक्त ट्रेंड क्या हम काफी कोरोना है? काल में चल रहे हैं, मैं एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, हम कोरोना काल में है, हम लोग अलग अलग माध्यम से इस प्रोटेस्ट को दर्ज कराते रहते हैं, इस तरह से कराते हैं कि कभी प्ले कार्ड लेके हम लोग फोटो के जरिए जो है सोशल मीडिया पे उसको फ्लोट करते हैं, सरकार पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग लेटर लिख के भी इस चीज को सरकार के संज्ञान में लेके आने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ अभी आपको मालूम है कि हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं, इस वक्त किसी तरह का प्रोटेस्ट का परमिशन अलाउड नहीं है, बीच में हालात कुछ सुधर रहे थे तो एक आध प्रोटेस्ट का हुआ भी, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसी वजह से कोई ग्राउंड पे उतर के उस तरह से जो एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसकी वजह ये कोविड कोविड का एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है वो नहीं हो पाया है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे उम्मीद करते कि हमारे साथी बाहर आ जाएंगे, चूंकि हमारे कई सारे साथियों को जो है उसमें कई 2-3 केसेस हैं, उसमें एक केस बचा है यूएपीए का, बाकी तमाम केसेस में जो है उनकी बेल हो गई है, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे, और हम लोग उनके लिए जो है ईश्वर अल्लाह से जो है वो प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द आए। नताशा जेल में थी, उनके पिताजी का देहांत हुआ, हम लोगों ने लगातार सरकार पे प्रेशर बनाया सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि अभी हमारे पास कोई माध्यम नहीं है,
कि उनको बेल मिलना चाहिए, कोर्ट तक भी हमने बात पहुंचाई, फाइनली उनको बेल मिला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे या हमारी आवाज को अनसुनी कर रही है। अगर हमारी आवाज को सरकार अनसुनी कर रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट उसका संज्ञान ले रही है। हम लोगों ने लगातार इस बात को किया और उम्मीद है कि इस देश के न्यायालय से, इस देश के जुडिशरी से, कि बहुत जल्द जितने फर्जी मुकदमे हमारे तमाम साथियों पर लगे हैं वो बहुत जल्द वापस आएंगे। और आप यकीन मानिए कि एक एक स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहा हो एक यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर यूएपीए लगाना कहीं से जायज नहीं। बस मैं यही कहना चाहूंगा और ये कहूंगा कि हमारे साथी जल्द हमारे बीच। अगर इस लड़ाई में आपके अगर बड़े लीडर, सीनियर लीडर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई और लीडर भी, ट्विटर पे ही अगर हम बात करते, चलिए कोविड का सिचुएशन है, सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वो उनका समर्थन क्या आपको मिल रहा है आज तक? क्या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव हो गए जो महागठबंधन के लीडर हैं कांग्रेस में, उनके तरफ से किस तरह का समर्थन मिला है इस लड़ाई में? पूरे अपोजिशन पार्टी का हम लोग को ट्विटर पे क्या उन्होंने किसी बड़े लीडर ने अपने ट्विटर नहीं, ट्विटर से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। अब आप ट्विटर से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, ट्विटर, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ट्विटर से ऊपर की बात मैं बता रहा हूँ। मरहूम अहमद पटेल साहब जब हयात से थे, उनको कोविड होने से ठीक पहले, तो उससे पहले ठीक पहले जो है एक पूरा मेमोरेंडम दिया गया था देश के राष्ट्रपति जी को मिलकर, आपको याद हो, उसमें 5-6 पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उन लोगों ने मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया था कि जो फर्जी मुकदमे हैं इसका आप संज्ञान लें। तो मैं कह रहा हूँ ना ट्विटर से ऊपर उठकर, क्यों? क्योंकि वहां हम नहीं पहुंच जा सकते, हमारे बड़े लीडर्स जा सकते हैं वहां पर। और उस लेटर पे सारे पार्टी के प्रेसिडेंट का साइन भी था, मैं ये भी बता दूं, और सब लोग मिले राष्ट्रपति महोदय से, उनसे अपील की, तो ये ट्विटर से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम वहां नहीं पहुंच पाते, तो हमारे जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका लेटर पहुंच जाता है, हमारी बात पहुंच जाती है उनके बाद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनकी उनकी अगुवाई में हुआ ये, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बाद जिम्मेदारी को सोनिया जी का साइन लेकर गए, ठीक है, उसमें मनोज झा जी भी थे आरजेडी के, उसमें आपको क्या नाम है सीपीआई के भी लीडर थे, सीपीएम के भी लीडर थे। कहने का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये के हर स्तर पे चल रहा है, हो सकता है कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। उसका रीजन ये है कि रोजाना ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसे मुद्दे दे देती है कि पिछला मुद्दा लगता है वो कम हो गया, ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा हमारा पीछे छूट गया है, मैं ये कह रहा हूँ ना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ठीक है, वो एक मुद्दे पे स्टैंड लेती है। तो जो मेरा मानना है जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका स्टैंड तो ये है कि जितने लोग, जो बेकसूर लोग जो सलाखों के पीछे हैं, जिनके ऊपर यूएपीए लगा है, उसके खिलाफ पूरी अपोजिशन पार्टी है, उनका ये स्टैंड ऑन रिकॉर्ड है राष्ट्रपति से मिलकर। पप्पू यादव के अरेस्ट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल इलीगल अरेस्ट है, 32 साल पुराना मैटर। उसमें भी आपने इंटरव्यू देखा होगा उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने उस समय में एफआईआर की थी, उन्होंने बोला कि कोई मसला ही नहीं है। देखिए सरकार विच हंटिंग कर रही है, मैंने क्या कहा आपको, जो लोग इस कोरोना महामारी के अंदर सेवा करना चाहते हैं सरकार उनको जेल में कैद करना चाहती है। जो लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपका हेल्थ सिस्टम चरमरा चुका है, आपके हेल्थ सिस्टम के अंदर ना नर्सेज हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन है, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, जो लोग ये दिखाएंगे, जो लोग ये दिखाएंगे उनको ये तमाम लोग जेल में डालने का काम करेंगे, उनकी आवाजों को बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि आप जेल जेल चले गए, जब आप जेल चले गए तो आपकी आवाज तो बंद हो गई ना, अब आप तो बोल नहीं सकते। तो क्या इससे ये भी साबित होता है, ये सरकार अपनी दमनकारी नीति अपनाकर जानबूझकर ऐसे तमाम राजनेताओं को, ऐसे तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को जेल के अंदर डालना चाहती है। पप्पू यादव जी क्या कर रहे थे, वो तो जाकर जिनका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था, हिंदू रीति रिवाज में जलाया जाता है, मुसलमानों को दफनाया जाता है, जिन लोगों को आखिरी रिचुअल नहीं हो पा रहा था मैसर, ठीक है, उनके लिए लड़ रहे थे, वो लोगों की लाश जल वहां पर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो ऑक्सीजन से हो, चाहे वो दवाई से हो, चाहे अपने फोन कॉल से हो, उनको उठा के अपने जेल में डाल दिया और उनकी तबीयत भी खराब हो गई 2 दिन के अंदर। तो सरकार ऐसे लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को हमारा और हमारी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है और हम लोग इस सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ कल भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे।
अगर सरकार को दिल चाहे तो हमें भी जेल में डाल दे, लेकिन ये कह दिया ना कि हम लोग भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं कि भाई सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो हम सर झुकाने वाले लोगों में से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार आई इसके सामने नमन हो गए कि नहीं भैया अब आप ही हो जो कहोगे भाई सही है, नहीं हम बोलेंगे कि डीएमसीएच अस्पताल के अंदर जो पीएम केयर्स से जो वेंटिलेटर आया था वो आज तक फंक्शनल नहीं हो पाया, हम बोलेंगे कि यहाँ के पीएचसी की जो हालत है वो हालत दयनीय हो चुकी है, यहाँ डॉक्टर है न नर्स है, पीएचसी के अंदर भूसा भरा हुआ है। ये बात मैं बिहार चुनाव के समय में बोल रहा था तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, अब आज जब दोबारा से कोरोना की दूसरी लहर आ रही है तब जाके सारे पत्रकार लोग कैमरा घुमा रहे हैं। मैं बिहार चुनाव के समय में आप जाकर मेरे फेसबुक आईडी मेरे फेसबुक पेज पे देखिए, मैंने दिखाया था, मैंने बताया था कि ये जहां पर हमारे बच्चों का इलाज होना चाहिए तो वहां पर गाय, वहां पर बकरी, वहां पर भैंस, वहां पर चूहे, वहां पर बिल्ली और वहां पर सुअर तक मौजूद है, और जिस कमरे के अंदर दवाइयां होनी चाहिए उसके अंदर भूसा तक भरा हुआ है, ये बात मैंने बताई थी। और आज जब हम दूसरी लहर के चपेट में आ चुके हैं तब आज हमें याद आ रहा है कि काश ये पीएचसी अच्छा होता। अरे मैं तो कह रहा हूं, जमाने से कह रहा हूं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कि जब तक हमारे पीएचसी एपीएचसी हमारे सही नहीं होंगे, प्रखंड स्तर पर गांव स्तर पर जो हमारे क्लिनिक्स हैं वो सरकारी क्लिनिक नहीं सही होंगे तो इस देश की और हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। मंगल पांडे जी तो कान में तेल डाल के सोते रहते हैं, और जब हम लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे के थ्रू उनसे सवाल पूछते हैं या मीडिया के जरिए उन तक सवाल पूछते हैं तब वो जागते हैं, तो अच्छा लगता है सिलेंडर में गैस नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, आप सो रहे थे जब बिहार की जनता के बीच में त्राही त्राही मच गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जाकर कोरोनिल का उद्घाटन कर रहे थे, उसको बांट रहे थे लोगों के बीच में। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे अपने नाम के आगे सब डॉक्टर हटा लें, शर्म आनी चाहिए उनको कि कोरोनिल जैसी चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं इससे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, और ऐसे लोग हैं जो इस देश में जो है डॉक्टरों को जो है वो अपमान कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि एलोपैथी का इलाज क्या होता है और खुद तबीयत खराब होती है उनके और उनके सेकेंड मैन की तो जाके एम्स में भर्ती होते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दोहरा रवैया करते हैं, जो दोहरा चेहरा दिखाते हैं। हम बता देना चाहते हैं अब इस देश की जनता को समझ में आ गया है कि अब लाशों को भी सम्मान नहीं मिल रहा, हजारों हजार 2000 से ज्यादा लाशें गंगा में बह रही हैं, बताइए मतलब एक तो व्यक्ति जब जिंदा है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको दवाई नहीं मिल रही, जब मर गया तो उसको कफन दफन नहीं मिल रहा, उसको चिता की आग नहीं मिल रही, उसकी आत्मा भटक रही है। ये राष्ट्र चाहते थे हम, ऐसा प्रदेश चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे? इन लोगों ने तो हंगामा मचाया था, हिंदू राष्ट्र का हंगामा मचाया था। अरे भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? इस हिंदू राष्ट्र की बात करते थे? अब तो समझ में आ गया हमारे साथ तमाम ऐसे लोगों को जिनको भ्रमित किया आप लोगों ने कि ऐसा नहीं चाहिए भाई हमें राष्ट्र, ऐसा नहीं चाहिए हमें कोई हमारा प्रधानमंत्री जिसके राज में जो है हमारे हिंदू भाइयों को चिता की आग नहीं मिले, जिसको शमशान घाट के अंदर सुकून से जो उसकी क्रियाक्रम है जो होना चाहिए वो तक मयसर नहीं हो, ऐसा नहीं चाहिए था लोगों को। अब लोगों को समझ में आ चुका है और जनता जल्द बताएगी, बंगाल के चुनाव में तो बताई दी है कि क्या होता है, तमिलनाडु केरला के अंदर तमाम जगह इन लोगों को बता दिया, बंगाल में कांग्रेस जीरो पे है। नहीं ठीक है, हम जीरो पे हैं, देखिए हम तो बता रहे हैं ना कि हम इस वक्त देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव तो मैं भी हार गया ना, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ ना। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैं एक नागरिक के तहत सवाल पूछ रहा हूँ। चुनाव हारना चुनाव जीतना मेरे लिए सेकेंडरी है, मैं चुनाव हारूं या जीत जाऊं मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा चुनाव हारने के बाद, या चुनाव लड़ने से पहले मैं ज्यादा काम कर रहा था अब कम काम कर रहा हूं, ऐसा लग रहा आपको? नहीं ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव लड़ना सदन पहुंचना एक पाठ है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो हो सकता है मेरे कलम में इतना पावर आ जाए कि मैं एक सिग्नेचर से बहुत सारा कुछ बदल दूं, लेकिन जब तक मैं वहां नहीं पहुंच रहा हूं तब तक मुझे सेवा करनी है और तब तक अन्याय के विरोध में मुझे खड़ा होना है, एक एक व्यक्ति के लिए खड़ा होना है जो इस समाज में आखिरी पायदान पर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। चूंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, और एक देश का नागरिक होने की वजह से ये मेरा अधिकार है कि मेरी तबीयत खराब हो तो अस्पताल में बेड मिलना चाहिए, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत हो तो मुझे ऑक्सीजन मिलना चाहिए, मुझे दवाई की जरूरत हो तो मुझे दवाई मिलनी चाहिए, मुझे वेंटिलेटर की जरूरत हो, आईसीयू की जरूरत हो
तो मुझे आईसीयू वेंटिलेटर मिलना चाहिए। अगर मैंने एम्बुलेंस के नंबर पे कॉल किया है तो एम्बुलेंस आकर मुझे घर से उठाकर ले जाए। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जो इस समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपने मेरे बाकी सारे सवालों का जवाब एक ही आखिरी सवाल में दे दिया, लेकिन अभी जो अब जो कुछ बचा हुआ है उधर हम थोड़ा जाना चाहेंगे। मैं डीएमसीएच के बारे में पूछना चाहता था, आपने बोल दिया जो हेल्थ, जो कोविड को लेके जिस तरीके से नीतीश सरकार पे आरोप लग रहे हैं या जो कुछ कर रही है सरकार, उस पर मैं पूछना चाहता था, उसका भी आपने जवाब दे दिया। तो अब जो मेरा सवाल है उधर मैं जाना चाहूंगा, आप अपने लेवल पर इस कोविड की स्थिति, आप क्योंकि खुद डॉक्टर हैं आपने बताया, तो आप अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं दरभंगा के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, या मिथिलांचल के लोगों के लिए, या बिहार के लोगों के लिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दरभंगा जो है वो मिथिलांचल का दिल माना जाता है और धड़कता हुआ दिल माना जाता है, और मैथिली की एक परंपरा है, ठीक है, पूरा मिथिला रीजन की जो है एक परंपरा है, मैथिली भाषा जो है वो बहुत मीठी है, ठीक है, और मिथिला की परंपरा है कि हम लोग संकट के समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते, नाम नहीं पूछते एक दूसरे का, अगर संकट है तो साथ खड़े होंगे, बाद में नाम हम लोग फरियाते हैं, खानदान बाद में फरियाते हैं, जात धर्म बाद में फरियाते हैं, संकट में पहले खड़े होते। तो मैं इसी संस्कृति में पला, इसी संस्कृति में बड़ा हुआ, यहीं से सब कुछ सीखा, और अब अपनी माटी को सेवा देने के लिए कोरोना काल के अंदर जब मैंने देखा आसपास के इलाके, हमारे गांव में, आसपास के गांव में, मोहल्लों में लोग दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, राजनीति में हूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, और एक एक जनता के बीच में प्रतिनिधि का, हम जनता के प्रतिनिधि बनने की कोशिश की है, उसके ऊपर प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को कुछ सहूलत दी जाए। तो हमने टेम्पररी कोविड केयर सेंटर का स्थापना किया, जहां पर फ्री में कोरोना के मरीज का इलाज हो रहा है, कोई एक रुपया चार्ज नहीं लग रहा है, तमाम नॉन क्रिटिकल पेशेंट जिनका ऑक्सीजन लेवल 80-85 तक है, उन तमाम लोगों को हम लोग, या लंग्स में इंफेक्शन 40% से नीचे है, उन लोगों को हम लोग एडमिट करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनको एडमिट करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन देते हैं, जो जैसा पेशेंट हो उस पेशेंट को दवाइयां फ्री में देते हैं, चाहे वो खाने वाली गोली हो या इंजेक्शन से जाने वाली दवा हो, वो तमाम दवाई हम उनको फ्री में देते हैं, उनको खाना पीना, उनके एक एक अटेंडेंट को अलाउ करते हैं जो अपने मरीज का हाल जान सके, उनके अटेंडेंट तक को हम लोग खाना भी मुहैया कराते हैं, और तमाम सुविधाएं का एक रुपया नहीं, 24 घंटे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहते हैं, सीनियर डॉक्टर 2 बार राउंड लेते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं। ये एक छोटी सी कोशिश है जो हमने मिथिलांचल के लोगों के लिए कोशिश किया कि उनको कुछ सेवा दे पाए, दरभंगा मधुबनी के लोगों तक कुछ सेवा दे पाए, उनको कुछ राहत मिले। बहुत सारे लोग एडमिट है हमारे सेंटर पे और उन लोगों का इलाज बढ़िया से चल रहा है और वो सब लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, सब लोग का सेहत बढ़िया हो रहा है। ये सेंटर कहाँ पर है और अब तक ये सेंटर कहाँ पर है, अब तक कितने मरीज है? ये सेंटर दरभंगा में बेता चौक से ठीक पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहीं पर जो उनकी बिल्डिंग है, जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वालों की, उन्हीं की एक बिल्डिंग को हमने उनसे लिया है टेम्पररी तौर पर, जहां पर ये हम लोगों ने छोटा सा कोविड केयर सेंटर, रिकवरी सेंटर बनाया है, वहीं पे सारी सेवाएं हैं, बिल्कुल मुफ्त है, और अभी हमारे पास लगभग 12 बेड है जो तैयार है, कोशिश है कि 1-2 दिन के अंदर हम इस बेड को 12 से 30 कर दें। अभी कितने मरीज एडमिट है, कितने लोगों का इलाज चल रहा है, कितनों का? अभी हमारे यहाँ 8 मरीज अवेलेबल है, इनका इलाज चल रहा है, ठीक है, 4 बेड अभी हमारे यहाँ खाली है, अभी के जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त बता रहे हैं, कई मरीज हमारे यहाँ से ठीक होके भी चले गए और कई लोगों का कॉल भी आया है, वो लोग जानकारी लेते रहते हैं और हम बोलते रहते हैं कि आप आइए, किसी तरह का कोई चार्ज, लोग हैरान होते हैं कि कोविड के समय में चार्ज देकर हम कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, और आप लोग फ्री में कर रहे हैं तो कई बार कॉल करते हैं लोग पूछने के लिए कि पक्का फ्री है, बेड मिल जाएगा, तो भाई आके आप देख लीजिए, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है, जो लोग एडमिट है उनसे भी पूछ लीजिए। तो लोगों के बीच में जागरूकता भी है, हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूकता कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाइए और इस महामारी से हम लोग को छुट्टी मिले, बहुत हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया इस महामारी। तो इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं और क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है इसको लिए?
जिला प्रशासन की तरफ से मदद ये है कि उन्होंने कहा है कि आप कीजिए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, उनको तो सहयोग कर रहे हैं ना हम। ये काम जो हम कर रहे हैं ये काम विपक्ष का नहीं था, ये काम सरकार का था, शासन प्रशासन का था। जब हमने देखा कि शासन प्रशासन फेल हो रहा है तो उनको सपोर्ट किया जाए, अपने लोगों की जान बचाई जाए, जो हमारे लोग हैं, हमारे मिथिलांचल के लोग, उनकी जान बचाई जाए। तो हमने कहा भाई हम तो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपसे ना डॉक्टर मांग रहे हैं, ना नर्सिंग स्टाफ मांग रहे हैं, ना ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ना सिलेंडर मांग रहे हैं, ना खाना मांग रहे हैं, ना दवाई मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब कुछ मांग ही नहीं रहे तो कीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। ये मुमकिन ये मुमकिन ऐसे हुआ ना, जब आप किसी चीज नेक काम का इरादा करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हुए चलते हैं। जो डॉक्टर्स आते हैं हमारे राउंड करने के लिए, उसमें से कोई डॉक्टर एक रुपया पैसा नहीं। यहाँ प्राइवेट अस्पताल, बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, जहां पर 20-25-50-25 हजार रुपया एक दिन का खर्चा हो रहा है, वहां डॉक्टर राउंड पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे कोविड सेंटर पे फ्री में आके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सब कुछ फ्री में है, यहाँ पर सब कुछ फ्री में। तो इस तरह से लोगों का सहयोग है, जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं, कोई लोग दवा से सहयोग कर देते हैं, कुछ लोग खाने प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस तरह से मैं बस ये जानना चाह रहा हूं स्ट्रक्चर पूरा, बाकी छोटे से हमारा भी, छोटा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। कोई फाउंडेशन है, कोई एनजीओ है, संस्था है? एक संस्था है यूनाइट फॉर चेंज फाउंडेशन के नाम से, जिससे हम लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं। उस संस्था का भी सहयोग है, कुछ हमारा अपना भी सहयोग है, बाकी लोगों का सहयोग है। तो आप जब नेक काम करने जाते हैं, अगर आप सच्चाई का झंडा बुलंद करेंगे तो आपके झंडे के नीचे लोग आके खड़े रहते हैं। बस हमारे साथ यही होता। सीमांचल के अंदर AIMIM जो इस बार जीती है, तो फ्यूचर की पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि मिथिलांचल में AIMIM का अच्छा जमीन बन सकता है और आपके लिए चैलेंज ऐसा है कि मिथिलांचल, मैंने आपको बताया है ना कि मिथिलांचल के जो लोग हैं ना वो बहुत मीठे लोग, बहुत प्रेमी लोग, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की अलगाववाद की राजनीति नहीं चलेगी। आप समझ गए, अलगाववाद की राजनीति, आप मानते हैं कि वो अलगाववाद समुदाय कास्ट गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं, आप भी मानते हैं, पूरा सब हर कोई मानता है। जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो भी इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो अलगाववाद की राजनीति कर रहा है। अच्छा, ये भी आप समझिए, ठीक है। आप सहमति असहमति मुद्दे पर बना सकते हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि जो अलगाववाद की राजनीति है वही है। ये देश अलगाववाद की राजनीति से नहीं चलेगा, ये देश सबको सम्मिलित करके चलेगा। हर समाज के, हर तबके के लोग एक साथ आएंगे, मिलजुल कर, जो हिंदुस्तान का असली ढांचा है उस ढांचे के तहत ये देश चलेगा। तो अगर देखिए, अब आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर 5 सीट जीत गए आपके सीमांचल के इलाके में, तो जीत के क्या कर रहे हैं? आप फिर से वही कोस रहे होंगे कि अब तो हम सरकार में है नहीं, विधायक निधि हमारी चली गई है, तो हम क्या करें, मजबूर हैं, जब सरकार में होंगे तब तो सरकार में आप आएंगे अकेले? क्या कभी अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आएंगे? पॉसिबल नहीं है। जिस तरह की राजनीति है अभी, अभी का परिप्रेक्ष्य बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल को उनकी पॉलिटिक्स बदल जाए, लार्जर परिप्रेक्ष्य में राजनीति करें, लोग साथ आ जाए, नोबडी नोज द फ्यूचर। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में 5 विधायक हैं, कोरोना काल में क्या काम कर रहे हैं? जीते हुए लोग हैं, आप बताइए क्या काम कर रहे हैं, कितना काम किए हैं? तो सवाल तो बनता है ना, मतलब आप ये समझिए कि आप जिस जनता को ये कह के आपने वोट लिया कि भाई ऐसा है कि ये एक खास समुदाय की पार्टी है, तुम लोग दो, तुम लोग की हिफाजत करेंगे, कितनी हिफाजत हो गई कोरोना काल में बताइए? हमने तो ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ एक समुदाय के लिए, हम सब के लिए हैं, ये देश मेरा है ना, तो हम सबके और सबका मैं। तो इस तरह से राजनीति होनी चाहिए, हम सब लोगों के लिए करें। अभी हमारा कोविड सेंटर चल रहा है, हर जात धर्म समुदाय के लोग आ रहे हैं, हमने तो कहीं बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 5 विधायक जो जीते हुए हैं वो भी अपने इलाके में इस तरह से कुछ करें। भाई ज्यादातर लोग तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाएं, कहां कर रहे हैं? हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। फिर वही बात कि अब सरकार में नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी राजनीति कीजिए कि कल को सरकार में आए और बदलाव करें, ठीक है। हो सकता है कि सरकार में आके बहुत ज्यादा बदलाव आप नहीं कर पाए, किसी गठबंधन का पार्ट हो, किसी घटक दल हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे ना। आज जो आप बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? मतलब कांग्रेस के विधायक तो कर ही रहे हैं, आप तो उठा के देख लीजिए चारों तरफ, विधायक क्या हारा हुआ प्रत्याशी कांग्रेस का जब काम कर रहा है, तो विधायक जिसके कलम में थोड़ा सा पावर है वो तो कर ही रहा है। क्या ये किसी छुपा हुआ तो नहीं है? भाई हमने तो उन तमाम बच्चों का बीड़ा उठाया ना, उनके पढ़ाई का, लिखाई का, उनके ड्रेस का, उनके किताबों का, एजुकेशन उनको देने की कोशिश की। ये नहीं किया कि हम उसको 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए दे दें एक बार में और छुट्टी कर ले, नहीं।
जब तक पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाएंगे। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि जिन लोगों ने भी पॉलिसी डिसीजन लिया, ठीक है, वो लोग सीनियर लोग हैं, कितने बच्चों जब को वो लोग तो इस मदद दुनिया से पहुंच चले चुकी है। जाएंगे और ये बच्चे रहेंगे, ठीक है, तो पार्टी इस तब भी इस बात का वादा करती है, मशकूर उस्मानी इस बात का वादा करते हैं, नहीं, उन सीधे तमाम अगर लोगों को मैं डाटा पढ़ाने पे का काम। बात करूं तो ऐसे आप कह रहे हैं कि जिनके माँ बाप दोनों अगर बच्चे यतीम हो जाते हैं तो उनको पार्टी सब समर्थन करे, यही कह रहे हैं आप, है ना, ऐसी पॉलिसी। तो हाँ, अब या तक फिर या उनका अर्निंग हैंड अगर खत्म हो जाता है, कभी अच्छा, ऐसा है मतलब कि जो फादर गार्जियन अर्निंग हैंड उनका थे या उनका वो, हाँ घर का गार्जियन, मुखिया अगर मर जाता है तो अब बिल्कुल तक कितने ऐसे बच्चों तक मदद पहुंच चुकी है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, अभी तो लिस्टिंग चल रही है क्योंकि अब जी मृत्यु का डाटा अभी आ रहा है, तो वो हाँ लिस्टिंग एक बार प्रॉपर हो जाएगी तो लिस्टिंग प्रॉपर होने के बाद समझ में आ जाएगा कि 100 बच्चे हैं कि 200 हैं या 500 बच्चे हैं। क्योंकि एक जी परिवार में अगर परिवार के मुखिया चले गए तो 3 बच्चे हैं उनके, कहीं 5 बच्चे भी हैं तो हम 5ों को लेंगे, 3ों को लेंगे, 2 हैं 1 है, तो इस तरह से लिस्ट लंबी होगी, ठीक है, उस कोविड पर काम चल रहा है। का जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव चलिए भूल भी जाते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, सेकंड वेव है, इसमें मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टैकल किया है इसको, या सफल रही है विफल रही है, जो भी आप कहें, 10 में से कितने नंबर देंगे आप अब तक की जो परिस्थिति? एक नंबर भी देना जो है बड़ी मुश्किल है, क्योंकि क्यों? मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सरकार मौत को रोक सकती है, नहीं रोक सकती, जिस दिन जिसको जाना है वो जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल के अंदर मौत हो जाए तो ये तो सरकार की विफलता है ना, नाकामी है भाई। 25 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे एक एक दिन में, चार चार स्टेट में, एक स्टेट में 25 लोग मर गए, किसी में 18 मर गए, और देश का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो डॉक्टर होने के बावजूद कान में तेल डाल के सो रहा है, आज तक रिजिग्नेशन नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में तो एक नंबर भी देना जो है मुझे ऐसा लग रहा है, आप हो सकता है बोलेंगे कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है, लेकिन गलतियों को माफ किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये गलतियां नहीं है, ये अनजानी गलतियां नहीं है, ये जानबूझकर किया गया पाप है, ये पाप को माफ नहीं किया जाता, ये पाप है, लोगों की जान आपने ली है, सरकार की नाकामियों की वजह से लोगों की जान गई है, अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद वो हमारे बीच होते, और इसका पीड़ा उन लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जिन्होंने अपने माता को खोया होगा, माँ को खोया होगा, जिन्होंने अपने फादर अपने पिता अपने बाप को खोया होगा, जिसने अपने पत्नी को खोया होगा, जिसने अपने पति को अपने बच्चों को खोया होगा, इसकी पीड़ा वो लोग आपको बता सकते हैं अच्छे से, मैं तो बयान भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं ऐसी निकम्मी और निठल्ली सरकार को, गैर जिम्मेदाराना सरकार को एक नंबर भी नहीं देना चाहूंगा, चूंकि ये आप समझिए कि ये मौतें नहीं हुई है, ये नरसंहार किया है सरकार ने, लोगों को मारने का काम किया है जबरदस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मानी साहब, डॉक्टर मस्कूर उस्मानी साहब। तो ये यंग एंड एंग्री का पहला एपिसोड था। अब आप जान ही गए होंगे पहले एपिसोड से कि यंग लीडर जो राजनीति पे आते हैं, एंगर जो है उनके साथ खुद ब खुद आ जाता है। वो अगर नहीं है वो गुस्सा उनके अंदर, तो फिर उन्हें राजनीति में होना ही बेकार है। आपको पहले एपिसोड से ही समझ में आ गया होगा। आगे भी ऐसे ही गेस्ट को हम जोड़ते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहां पर इन दिनों में मीडिया ने अपना काम शुरू किया है, इन तीनों राज्य से जो यंग लीडर उभरते हुए लोग हैं, यंग पॉलिटिशियन जो एक्टिव हैं राजनीति में आजकल, इनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। आज के लिए हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। फिर से एक बार शुक्रिया डॉक्टर मस्कूर उस्मानी साहब, आपने वक्त थैंक यू, निकाला हमारे लिए। शुक्रिया।